विधायक रामेश्वर शर्मा ने विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक पास होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस विधेयक के आने के बाद सीता को रूबिया बनाने का धंधा बंद हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में धर्म स्वतंत्र विधेयक 2021 बहुमत के साथ पारित हो गया, जिसको लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने सभी का आभार जताया। रामेश्वर शर्मा ने विधेयक पास करने में कांग्रेस के विरोध को लेकर कहा कि इस विधेयक के साथ साथ कांग्रेस के दो चेहरे समाज के सामने आए, पहला मुस्लिम तुष्टिकरण और दूसरा महिला विरोधी। उन्होंने विरोध करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोगों ने लव जिहाद को बढ़ावा देकर मुसलमानों का मसीहा बनने की कोशिश की, जबकि यह कानून बेटियों को बचाने, उनकी सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की धरती से सीता को रूबिया बनाने वाले अब जेल जाएंगे। आज मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता की ओर से मैं मध्य प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को और पूरे सदन को हृदय से बधाई देता हूं कि धर्म स्वतंत्र विधेयक आज यहां पर पारित हुआ। कुछ लोगों के चेहरे जरूर उजागर हुए, उनने लव जिहाद का नाम लेकर ये बताने की कोशिश की कि मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा वो हैं, जबकि हमने ये कानून को बेटी की रक्षा के लिए लाए गए। हम ये कानून से बेटी की स्वतंत्रता पर आंच ना आ पाए, हम इस कानून से बेटी की संरक्षण हो, बेटी की आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में बेटी स्वतंत्र रहे और बेटी का संरक्षण हो और बेटी पर किसी भी प्रकार का भय, लोभ, प्रलोभन देकर कोई भी ना उससे शादी कर सके ना धर्म परिवर्तन करा सके। आज ये कानून मध्य प्रदेश की धरती पर पारित हुआ है। अब मध्य प्रदेश की धरती पर सीता को रूबिया बनाने का धंधा जिन लोगों ने चला रखा था वो बंद होगा और ऐसे लोग अगर ये कानून को नहीं रोक पाए तो ऐसे लोग जेल जाएंगे और जेल के शिक्षकों के अंदर होंगे। ये मध्य प्रदेश की माता और बहनों के लिए सबसे बड़ी और बेटियों के लिए सबसे बड़ी बधाई और शुभकामनाएं। तोती राय यही उनका मुख्य उद्देश्य है। कांग्रेस ने विरोध किया इस बिल का। हाँ, कुछ लोग इमाम बुखारी बनने की कोशिश करें, अब देखते हैं उनका क्या फलिता होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।